तो गाइस 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 आज स्विट्जरलैंड की जनता से हम पूछने वाले हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है। तो चलते हैं, देखते हैं आज क्या होता है। आती हूँ यहाँ पे एक अंकल, हम इनसे पूछते हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मैं भैया इंजन का नहीं हूँ, मैं यूपी का हूँ। नहीं, महात्मा गांधी सुनकर। अच्छा, उनका कहना है यूपी का। देखते हैं आगे क्या कहते हैं लोग। यहाँ पे दोस्तों एक अंकल है, इनसे पूछते हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? महात्मा गांधी एक उन्होंने हमारे देश को जो है आज़ाद किया था। आज़ाद किया था? हाँ, उन्होंने अपना खून अपना देश बचाओ अभियान चलाया था। हाँ है? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या छवि आती है जब आप महात्मा गांधी सुनते हैं? तो महात्मा गांधी हमारी एक छवि है, पुरानी हमारी छवि है, वो लोग जिन्होंने देश को अपनी जान की कुर्बानी, देश को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी। आप क्या कहना चाहेंगे अंकल? आप क्या कहना चाहेंगे? महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? कुछ तो बोलो। मुझे आइडिया नहीं है। अरे गजब हो गया यार, मैं आइडिया नहीं है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता थे, देश के राष्ट्रपिता थे। क्या थे? देश के राष्ट्रपिता थे। क्या कहते हैं, राष्ट्रपिता ना? राष्ट्रपिता थे। अच्छा, तो यहाँ पर ये अंकल लोगों के विचार हैं, देखते हैं आज स्विट्जरलैंड की जनता क्या कहती है इस विषय पर। तो यहाँ पर और साथी लोग हैं जिनसे हम जानते हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। क्या महात्मा गांधी जी का नाम सुनते हैं, अब जैसे उनकी जयंती आने वाली है ना, तो उनका नाम सुनते ही सबसे पहले पता करो, ये सजाने आदमी है ना उस टाइम के। हाँ, आप महात्मा गांधी के टाइम के हैं आप? नहीं, तो महात्मा गांधी के बुजुर्ग तो होंगे। हाँ, बुजुर्ग तो हैं ही। बुजुर्ग हैं कि नहीं है फिर? तो महात्मा गांधी तो कहाँ, 47-60 में चली गई। हाँ, 60 की जन्मतिथि है जो भी है। चलो ठीक है, इनसे पूछते हैं भैया से, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? महात्मा गांधी जब आप सुनते हैं सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ठीक है भाई, महात्मा गांधी हुए वो, महात्मा गांधी हुए। दिमाग में छवि आती होगी ना कोई? कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है, कोई छवि नहीं आती। ठीक है, मतलब है ठीक है, सही है, वो सही है। चलो देखते हैं आगे लोग इस पर क्या कहते हैं। मैं यहाँ पर मेडिकल स्टोर के पास हूँ, यहाँ पर एक भैया इनसे जानते हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? गांधी नेहरा। उसकी आपको सबसे बढ़िया बात कौन सी लगती है? गांधी जी सारी बातें बढ़िया है, सारी बातें भाई, जैसे जो आपकी फेवरेट होगी। मेरे फेवरेट बहुत सारी हैं, मतलब कोई एक एक अगर आप बता दें फेवरेट। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, तो उन्होंने कहा है कि असहयोग आंदोलन इनका फेवरेट बात है। देखते हैं आगे लोग इस विषय पर क्या कहते हैं। गाइस यहाँ पर भैया इनसे पूछते हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? महात्मा गांधी ने हमारा देश आज़ाद किया हुआ। सबसे पहले कोई छवि आती होगी आपके दिमाग में महात्मा गांधी सुनकर? ऐसे छवि तो कुछ नहीं आती, कोई इमेज नहीं आती ना। अहिंसा वगैरह? अहिंसा आदि तो पहले से ही हुई। आप अहिंसा में मानते हैं? ना नहीं मानते। हिंसा में मानते हैं? हाँ। तो ये तो बड़ा ही अलग ही रिव्यू आ गया, देखते हैं लोग आगे इस विषय पर क्या कहते हैं। गाइस मैं यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर एक दीदी हम इनसे पूछते हैं, महात्मा गांधी सुनकर आपके पहले सबसे दिमाग में क्या आता है? तो ये कुछ नहीं कहना चाहेंगे अभी, देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैं यहाँ के बस अड्डे में हूँ गाइस, और यहाँ पे एक भैया हमसे जानते हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? नाम सुनकर तो थोड़ा क्या होता है, कुछ 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 एक इमेज आती होगी जैसे अहिंसा सत्य, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अहिंसा आता है। तो आप अहिंसा में मानते हैं? हम तो सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं। कि सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं? हाँ। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। नॉनवेज कौन नहीं खा रहा, टाइम पे सब खा रहे हैं। तो वो अहिंसा में कैसे आया फिर आप? लेकिन महात्मा गांधी के कहना सही था, लेकिन वो जो काट रहे हैं उनको अभी तो खाने वाला तो चलो काटेगा ही नहीं, तो कैसे काटेगा ही नहीं, तो खाएंगे ही नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब आप और कुछ आता है महात्मा गांधी सुन के? वो तो अभी कुछ नहीं है फिलहाल, और कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि महात्मा गांधी सुन के सुभाष चंद्र बोस के फैन है कहना है, देखते हैं आगे लोग क्या कहते हैं। तो गाइस यहाँ पर और भैया लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं, महात्मा गांधी सुनकर सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? सब सुभाष चंद्र बोस वाले ये है भाई साहब। महात्मा गांधी सुन के क्या आता है सबसे पहले दिमाग में? सुभाष चंद्र बोस वाले, सब सुभाष चंद्र बोस वाले हैं कह रहे हैं। तो मैं बस अड्डे से आगे की तरफ को बढ़ रहा हूँ, और यहाँ पर एक काका हैं, उनसे जानते हैं, काका जी महात्मा गांधी जब सुनते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? उनकी जयंती आने वाली है ना। हाँ, महात्मा गांधी देश के
माता पिता ठहरे वो तो इस देश के। माता पिता ठहरे? हाँ। अहिंसा में मानते हैं आप? हिंसा में क्या है, थोड़ी बहुत हिंसा जो है वो तो राजनीति में चलती रहती है। हाँ। ना अब उससे आगे जो देश को चला सके अच्छा, अच्छी बात है। अब महात्मा गांधी जी को कायम मानते हैं, अहिंसा में मानते होंगे? हाँ, अब उसमें हिंसा में भी ठहरा और वैसे भी देश के ऊपर उन्होंने कुर्बानी दी है। हाँ। इसलिए मानते हैं। हाँ, अब जैसे मोदी जी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, अगर ये देश को चला रहे अच्छा तो बढ़िया है, हमें खुशी है उसमें। खुशी है? हाँ। तो इनका ये कहना है दोस्तों, धन्यवाद। तो देखते हैं आगे लोग इस विषय पर क्या कहते हैं। तो भाई यहाँ पर एक युवा साथी है, हम इसे जानते हैं। भैया महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है ना, तो महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है। हाँ। तो उनके बारे में सुन के सबसे पहले दिमाग में क्या आ रहा है? ये कालू बोलो, महात्मा गांधी जी के बारे में क्या आता है? हमें तो घूमने का मौका चाहिए, हम तो घूमते रहते हैं। उनकी कोई एक सीख आती होगी जैसे? हाँ, बस घूमते रहो। महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया था, अब इससे ज्यादा तो हमें क्या पता हम भी हुए। अहिंसा में मानते हैं? अहिंसा से हम तो कुछ नहीं मानते। अच्छा, बस बढ़िया मानते हैं ऐसे ही। अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। एक हद तक सही जाती है, मतलब कि जब तक सामने वाला इंसान, अब हम के गंज में हेलो लाल हम रोड पे है, ऐसा है कि ज्यादा सामने वाला इंसान हमारे व्यवहार कर रहा है वैसा व्यवहार सामने वाले की फॉल्ट है बस। अच्छा तो इनका ये कहना है, धन्यवाद। तो थोड़ा आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, यहां पर और कुछ अंकल लोग हैं, इनसे जानते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में सुन के सबसे पहले क्या आता है? महात्मा गांधी जी के बारे में जब सुनते हैं तो जैसे उनकी जो शिक्षा थी अहिंसा सत्य वगैरह, तो जानकारी तो नहीं है, वो मूर्ति को उधर है। मूर्ति? आप कुछ कहना चाहेंगे? आप थोड़े ओल्ड लग रहे हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी ठीक ही हुए, क्या हुए? राष्ट्रपिता हुए। राष्ट्रपिता हुए? उनका कहना है राष्ट्रपिता हुए, देखते हैं आगे लिखते हैं। तो मैं अभी यहाँ की गांधी चौक के पास हूँ, यहाँ पर एक भैया उनसे जानते हैं। महात्मा गांधी जी के बारे में सुन के आपके पहले दिमाग में क्या आता है? महात्मा गांधी को सुन के मतलब सबसे पहले दिमाग में कुछ छवि आती होगी, परसों उनकी जयंती है। हाँ, तो क्या छवि आती है सबसे पहले? छवि तो मेरे लिए देश के बारे में सही नहीं आती, जैसे आज़ादी के टाइम में उन्होंने किया। अच्छा। अगर वो सही डिसीजन ले रहे थे उस टाइम तो शायद, जैसे कि वो चाहते तो जैसे भगत सिंह उन जो उनको फांसी दी गई उनके बारे में कुछ वो कर सकते थे। और मतलब छवि सही नहीं आती है मेरी नज़र में, तो सही नहीं आती है। और बाकी सबके अलग अलग सोच है। और भी कुछ हो गए बात इसके अलावा? और उसके अलावा तो और कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है। तो भैया के विचार थे, थैंक यू। देखते हैं आगे लोग इस पर क्या कहते हैं। वैसे अपना पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर एक बुजुर्ग चाचा है, हम इनसे पूछते हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती आ रही है, महात्मा गांधी जी के बारे में सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे नेक नेता थे। बहुत अच्छे नेक नेता थे। हाँ। और बहुत अच्छा, मतलब उनने अपने कार्यकाल में अच्छे अच्छे काम किए। हाँ। जो कि आज भी जनता याद कर रही है। जनता याद कर रही है, कर रही है। धन्यवाद। तो देखते हैं आगे लोग इस विषय पर। यहाँ पे और चाचा इनसे पूछते हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में आप सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? वो देशभक्त थे। देशभक्त थे? हाँ। और वो जनता के लिए सोचते थे। जनता के लिए सोचते थे, धन्यवाद। और भी कुछ आता है? नहीं, और बताओ। हम बताएं? हाँ। हम पूछे आप प्रश्न पूछे। महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी थे तो आप अहिंसा में मानते हैं? अहिंसा भी परमो धर्म है। अच्छा। लेकिन हिंसा भी एक चीज़ होती है कि अपना बचाव के लिए तो हिंसा भी तो करनी पड़ती है। अपने बचाव के लिए? हाँ, अपने बचाव के लिए। जैसे देश बचाने के लिए? देश किससे बचाने के लिए? हैं, दुश्मन से बचाने के लिए, आतंकवादियों से बचाने के लिए। अच्छा, आतंकवादियों से बचाने के लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी? हिंसा भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है परोठा दे कर उनको छोड़ दिया जाए, परोठा दे छोड़ दिया जाए। हाँ। अच्छा है, ऐसा है। अब देश में तो कई उग्रवादी संगठन है ना। हाँ।
जो देश को तोड़ना चाहते हैं। इसी में भी कितने नेता हैं जो देश को नहीं चाहते हैं, देश का विघटन करना चाहते हैं, इसलिए हिंसा जरूरी है। इसलिए हिंसा जरूरी है, उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसा कि वो देश के साथ कर रहे हैं, देश के साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी बात बोल दी। तो यहाँ पे काका ने बहुत बड़ी बात बोल दी, तो इस पर इसको हम फोल्ड करेंगे अब आगे। तो गाइज 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 मैं पहुँच चुका हूँ अपने घर और वीडियो को अब एडिट करने का समय आ गया है और ब्रेकफास्ट करेंगे अब। ब्रेकफास्ट में आज बने होंगे ओट्स, देखते हैं ओट्स बने नहीं बने, देखा जाए जरा। हाँ ओट्स बने और यहाँ क्या बना है, यहाँ पराठा बना है आलू का। तो वीडियो करेंगे एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में।